भाजपा ने आने वाले चुनावों के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश से सुधांशु त्रिवेदी और आरपीएन सिंह को चुना गया है। वहीं भाजपा ने हरियाणा से पूर्व प्रमुख सुभाष बराला को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बात करें खास तौर पर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भाजपा ने राजा देवेंद्र प्रताप को अपना उम्मीदवार चुना है। आपको बता दें, ये करीब 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हैं। राजा देवेंद्र प्रताप लहलुंगा से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। आपको बता दें, भाजपा ने इन सभी उम्मीदवारों को राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित किया है। अब जरा आपको दिखाते हैं भाजपा की ये पूरी लिस्ट। बिहार से श्रीमती डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, बिहार से डॉक्टर भीम सिंह, छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, हरियाणा से सुभाष बराला, कर्नाटक से नारायण कृष्ण साभांडे, उत्तर प्रदेश से आरपीएन सिंह, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, उत्तर प्रदेश से चौधरी तेजवीर सिंह, उत्तर प्रदेश से श्रीमती साधना सिंह, अमरपाल मौर्य को भी उत्तर प्रदेश से चुना गया है, डॉक्टर संगीता बलवंत को भी उत्तर प्रदेश से चुना गया है, वहीं नवीन जैन को भी उत्तर प्रदेश से चुना गया है। वहीं बात करें उत्तराखंड की, तो महेंद्र भट्ट को यहां से चुना गया है और पश्चिम बंगाल से सामिक भट्टाचार्य को अपना बीजेपी ने उम्मीदवार चुना है। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।